एक दूजे के वास्ते। जो भी पूछूं सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं, कुछ घुमाना नहीं, वरना अंदर जाके सबको बता दूंगी मिस्टर एंड मिसेस डमरू के बारे में। बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो, ऐसा मत करिएगा जी। हमारी तो जिंदगी सेटल नहीं हो पा रही है और आप शिकायत कर देंगी तो हमारी नौकरी भी जाएगी और झुम आप तो सवाल पूछो जी, हम बताएंगे। डमरू भैया, झुमरी दीदी यही है आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बस ये बताइए कि इन 7 सालों में क्या क्या हुआ। मुझे तो पहले ही भेज दिया था, लेकिन सुमन, उसने क्या किया? सुमन दीदी, उनके बारे में तो सोचकर ही रोना आता है। छोटी ही तो थी कि अचानक उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बहुत तकलीफ देखी उन्होंने और उसी तकलीफ ने उन्हें मजबूत किया और फिर अचानक। फिर क्या? फिर सरवन भैया वापस आ गए और फिर हमारी मजबूत दीदी बदल गई। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन से सरवन भैया इस घर में आए हैं उस दिन से दीदी के मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी गुस्सा करती हैं, कभी उदास हो जाती हैं। हमारा तो मन करता है जाके भैया को बोल दें आप चले जाओ यहाँ से। अरे मन आपकी दीदी का इधर उधर हो रहा है तो आप हमारे भैया को कैसे कुछ कह सकते हैं डमरू जी? आपकी तो यही समस्या झुमरी जी कि पूरी बात सुनती ही नहीं है। हम तो अच्छा अच्छा आप कहिए, हम सुन रहे हैं जी। हम तो सुमन दीदी के दिल का हाल बता रहे थे कि वो सिर्फ गुस्सा नहीं करती है, जब कभी खुश होती है तो हम भी खुश हो जाते हैं। और सुमन अचानक से खुश क्यों? सरवन भैया से थोड़ा बात करके लड़के या किसी और वजह से खुश होती है तो अच्छा है ना। फिर तो सरवन भैया बेशक यहीं रह जाएं, खत्म करें इस मनहूस की दुश्मनी को, फिर तो रोज आलू के पराठे बना के खिलाएंगे। हम भी यही चाहते हैं जी। चले गए, अभी तक आए भी नहीं। मैं और कितना वेट करूं, कब तक आएंगे वो? हाँ बेटा वीर, मैं भी यही सोच रही हूँ कि पता नहीं शवन कब वापस आने वाला है। किसी को कुछ पता है? मम्मी, हम कौन से उसके खास लोग या फैमिली है, क्यों पता होगा हमें? और एक पीजी के बारे में आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? अरे ये पीजी क्या होता है भाई? शवन हमारे साथ हमारे घर में रहता है तो इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ गया और कब वापस आएगा। वीर कितना याद कर रहे हैं उसे। वीर फटाफट अपना नाश्ता खत्म करो, ना धीरे धीरे खा रहे हो कि? मैं नहीं खाऊंगा, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, कुछ नहीं करूंगा जब तक श्रवण भैया वापस नहीं आते। देखो जिद मत करो, अगर ऐसे करोगे तो पापा को गुस्सा आ जाएगा। बेटा सुमन, तू तो श्रवण की डॉक्टर है, तुझसे साइन करवाए बिना वो कहीं जाता नहीं है, तो तुझे तो पता होगा ना कि वो कहाँ गया और कब तक आने। कौन कब आता है जाता है इसका मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसकी डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके आने जाने का हिसाब रखती हूँ। और अगर उसे लोगों की परवाह ही नहीं है तो आई एम सॉरी वीर, पर कोई क्या कर सकता है? और हम क्यों करें अपना टाइम वेस्ट? सुमन का मूड ठीक करना पड़ेगा। वीर मुझे भी ना आज ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा, काफी बोरिंग बना है ना। व्हाट से कहीं बाहर चल के कुछ नया खाएं, समथिंग डिफरेंट। बंटी हलवाई क्या, कचौरी और जलेबी, चले। चल सुमन। नहीं तुम लोग जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का, इनफैक्ट मुझे भूख ही नहीं है, एक्सक्यूज मी। अचानक सुमन को क्या हो गया? जिन चीजों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए वो चीजें मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही हैं? एक मैं हूं यहाँ जिसने अपना और घर पे सबका दिमाग खराब कर रखा है, और एक वो श्रवण। फर्क पड़ना तो छोड़ो, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा, जाए बाहर में मेरी बला से। ये तुम्हारे खराब मूड को यूं उड़ा देगा।
लट्टू जैसे गाल पे मिर्च जैसी नाक वाली अपनी फोटो देख के तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता था। कैसा है चंद? अरे शमन बेटा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं सुमन से पूछ ही रही थी कि तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए। वो बेचारा अभी अभी तो बाहर से आया, उसको थोड़ा रेस्ट तो करने दो। शमन तुम्हारे बिना इसने इतने नखरे किए ना ब्रेकफास्ट करने में, प्लीज इसके साथ ब्रेकफास्ट कर लेना और तुम भी ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ अच्छा, मैं चलता। चलो शमन भैया। डमरू, श्रवण के लिए एक कप कॉफी बना के ले आऊं। श्रवण, मेरा तुम्हें फिर से मैनर्स पे लेक्चर देना खुद का टाइम वेस्ट करना है ना? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें। जब कोई फोन कर रहा है तो शायद कुछ अर्जेंट हो, तुम ऐसे बिना बताए चले गए। पता है यहाँ सब कितना परेशान हो गए थे, खास करके वीर, वो तो खाना भी नहीं खा रहा था। तूने मेरे बिना खाना नहीं खाया? चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो हम साथ में खाना खाएंगे। बाय द वे, तुम क्यों मुझे याद, मेरा मतलब फोन कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारी फाइल पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्थ सर्टिफिकेट में मेरे सिग्नेचर्स के बिना तुम मिशन पे कैसे गए। हाँ ये तो प्रोटोकॉल्स के प्रोटोकॉल इसमें आते ही नहीं, क्योंकि मिशन पर गया ही नहीं था। और जिस मिशन की फाइल तुमने मेरे रूम में चुपचाप पढ़ी थी, मैं सिर्फ उसकी जानकारी देने वहां गया था। और जब तक मेरे हाथ की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं मिशन पर जा भी नहीं सकता। ये प्रोटोकॉल तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, तो फिर? कुछ नहीं, मतलब बस चिल्लाना था मुझको। चलो भी अब सब ठीक है तो नाश्ता करो सब मिलके। चाची, कंचा ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, हम नाश्ता करने के लिए बाहर जाएंगे। आइडिया तो पहले भी अच्छा ही था बहन, पर तेरा मूड नहीं था तब जाने का। हाँ तो अब बोल रही हूँ ना, चल चलते हैं। चल तो चलेगा भी? नहीं, मैं तो श्रवण भैया के साथ बैठकर नहीं खाऊं, आप लोग जाओ। श्रवण ये नहीं, नहीं नहीं, वो तुम्हारा टावर नहीं है, मैंने उसका डस्टर बना के फेंक दिया था, ये मैंने नया लिया। ठीक है, तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तौलिये के बारे में बात कर रही थी? ये सुमन का, सुमन। अरे यार रुक, ये क्या, कुछ काम होगा, रुक। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली क्या है ना, इस बाल के पैर नहीं दिखाई दे रहे मुझे, तो ये खुद तो चल के आया नहीं होगा, तो कैसे है मेरे रूम में? मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे क्या पता? कमाल है, अपना खुद का बाल नहीं पहचान पा रही तुम। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय मेरा बाल? इस पे नाम लिखा है मेरा, काला लंबा स्ट्रेट, किसी का भी हो सकता है, घोड़ों के भी होते। बिल्कुल होते हैं, पर क्या ना कि कल घोड़ा मेरे रूम में नहीं आया, तुम आई थी फाइल्स के लिए। हाँ पर हमने हमेशा सोफी को तुम्हारे रूम में सिर टिका के कभी बैठे कभी लेटे देखा है, तो होगा उसी का ही बाल? ये बाल सुमन का है। अच्छा, बाल ने तुम्हें बताया होगा कि बाल की खाल निकाल रहे हो?
तुम्हें कैसे पता? बस पता है। धड़कन में रहेगा तेरी यादों का सिलसिला। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? मान लो ना तुम्हारा बाल है। ओ हेलो मिस्टर पीजी ट्रबलसम, ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। और तू क्या चुपचाप खड़ी है? कुछ बोलना ऐसे। छोड़ना यार, हमें क्या? इट्स ओके। एक सेकंड, क्या ओके? अब मेरे रूम में ऐसे लड़कियों के बाल मिलेंगे तो मैं तो बोलूंगा ना। देख देख इसकी हिम्मत, अगर तुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा ना तो मैं कंचा। इट्स ओके, छोड़ना, अभी आया है। सुमन अगर अपने बारे में इतनी गलत बातें सुनती ना तो ना सिर्फ फौरन बोलती पर अच्छा खासा सुना देती उसे। पर शायद पुरानी सुमन ही चेंज हो गई है। नहीं कंचा, चेंज थोड़ी हुई हो। अब उसे ऐसी कुछ भी सुना देती तो उसका मूड खराब हो जाता ना। और अभी अभी तो आया है वो, तो मूड खराब हो या ठीक, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से तुझे इतनी चिंता? उसके मूड की कोई चिंता नहीं है मुझे। तो फिर वो तो मैं भी एक आर्मी ऑफिसर हूँ कंचा, तो समझती हूँ कि शायद कोई इम्पोर्टेंट काम करके आया हो। अब सब कुछ भूल के मैं उसे से सुनाना शुरू कर दूँ? हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कंचा। छोड़ ना, ये सब आप क्या बातें लगा के बैठे। चल अंदर से चाबी ले आएगी प्लीज। ये फीलिंग्स जो श्रवण के लिए थी पहले, वो कभी गए ही नहीं या फिर लौट आई हैं? क्योंकि इस पल में मैं फिर वही सब महसूस कर रही हूँ और डर लग रहा है कि वो अब शायद ऐसा फील नहीं करता। क्या हो गया है मुझे? मैं जानता हूँ सुमन कि मैं जिनसे भागता रहा वो फीलिंग्स तुम्हारे लिए आज भी मेरे दिल में है, मेरी खुशी की वजह है। पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरे लिए ये फीलिंग्स तुम्हारे दिल में नहीं है और इस बात का मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।